अब मेरी टीम ने मुझे कुछ सवाल दिए, यकीन जाने मेरा कोई मैं मूड ही नहीं था। मैं आपको क्लियर कर रहे हैं फौरन से, मैंने मेरा मूड ही नहीं था ये सवाल पूछने। अगर आपको कोई सवाल नहीं अच्छा लग रहा आप मत पूछे अभी भी आपके। नहीं लेकिन ये कि टीम ने दिए ये सवाल, अगर मैंने ना पूछे मेरा चेक रुक जाएगा, मैं अब, क्या अब आप देख लें कि अगर ये आपके एथिक्स और मॉरल्स के अगेंस्ट अगर जा रहे सवाल तो आप अपने एथिक्स और मॉरल्स पे स्टैंड करना चाहते हैं या आप चेक लेना चाहते हैं। आप क्या चाहती है मैं चेक ना लूं? आप, मैं चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। बिजली कितनी महंगी हो गई है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, देखिए हाँ। फाइनल डिसीजन तो आपका अपना है ना। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बताएं कि ये मॉरली एथिकली सवाल पूछना चाहिए था या नहीं। हाउ इज दैट? अच्छा चले ओके ठीक है okay. क्योंकि मुझे तो इनका बैकग्राउंड ही नहीं पता इन सवालों का, तो मैं सोचा कि यार टीम ने सवाल दिया पूछने तो पड़ेंगे ना यार, मैं क्या करूँ मेरा चेक रुक जाएगा। पिछले दिनों आप एक पॉडकास्ट में थी और वहां से आपकी आपकी एक बहस हुई होस्ट के साथ, जिसमें आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियों को आप जानती हैं जो अपने हस्बैंड से अच्छा कमाती हैं लव मैरिज में, क्योंकि होस्ट का सवाल ये था कि यू नो इस तरह से रिलेटेड सवाल था कि डिस्पैरिटी और वो पे डिस्पैरिटी के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। और फिर आपने कहा कि यार कि अगर एक टीवी शो में होस्ट इस तरह के सवाल पूछते हैं तो हम क्या करें, ये तो सवाल ही ना पूछे। फेर सवाल है ये। अच्छा ओके फर्स्टली हुआ क्या था कंट्रोवर्सी? फर्स्टली मेरी बहस नहीं हुई थी, द होस्ट वाज वेरी नाइस टू मी, मेरी उनसे कहीं पर थ्रू आउट वो बहस नहीं हुई है। सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा था कि जो इस तरफ जा रहा था कि लड़कियां गोल्ड डिगर्स होती हैं, मतलब वो जनरलाइज की जा रही थी। एक बात, एक तो मुझे टर्म गोल्ड डिगर मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने उस पर कुछ इसी तरह जो अभी मैं जवाब दे रही हूँ, आई थिंक मैंने इसी तरह का दिया होगा कि हर किसी की अपनी टाइप होती है, किसी को टॉल लड़के पसंद होते हैं, किसी को गोरी लड़की पसंद होती है, मतलब सबके अपने टाइप होते हैं। तो अगर किसी को एक वेल सेटल्ड लड़का पसंद है तो वो उसकी टाइप है, आप उसको गोल्ड डिगर नहीं बोल सकते। और मैंने इस पर जवाब दिया था कि जनरलाइज अगर आप कर रहे हो तो इस तरह से तो ऐसे बहुत सारी मैं इंडस्ट्री में एंड आउट ऑफ इंडस्ट्री लड़कियाँ जानती हूँ जो अपने हस्बैंड से प्रोफेशनली बेटर कर रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में एक दूसरे के लिए कोई भी जेलसी है या कोई भी कॉम्पिटिशन है। तो ये जो थ्योरी है ये इधर ही इनकरेक्ट हो गई कि ऑल गर्ल्स आर गोल्ड डिगर्स, यू नो गोल्ड डिगर के तरीके से देखा जाए। ये सवाल सही था? हाँ ओके ठीक है। दूसरा सवाल, ये मुझे बाखुदा ये बात नहीं पता थी, कसम से नहीं पता थी। ये लिखा इन्होंने कि एक बार आपने नाज़िर जहांगीर के लिए कोई पोस्ट लगाया और आपने उनका कि उनको आपने दोस्त समझकर गलती की, व्हाट्स दैट अबाउट? ये तो आई रियली वांट टू नो। Oh my God! And since it's public knowledge, you shared. So firstly, मैं उस post जो मैंने लगाया था वो मैंने लगाने के कोई within I think 5 to 6 minutes delete कर दिया था बात, इस realization के साथ कि मैंने जिस बात को project किया था उस time पे उस situation पे, मैं जाती तौर पे आई wasn't sure ना कि क्या वो चीज़ अभी भी मैं प्रोजेक्ट कर सकती हूँ। यानी एक सिचुएशन मेरी नाज़िश के साथ हो चुकी थी इन द पास्ट, जिसके बेसिस पे मैंने कहा कि यू नो अगर मैंने उस टाइम पे मे बी इफ़ आई वुड हैव कन्फ्रंटेड हर एज अ फ्रेंड और एज अ फ्रेंड अगर मैं उनको समझाती तो शायद यू नो दिस थिंग वुडेंट हैव हैपेंड। बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ के वेट आई हैवन बिन इन कॉन्टैक्ट विद हर सिंस सो लॉन्ग, सो आई डोंट नो कि ये चीज़ अब क्यों हुई है क्यों नहीं हुई है। अगर मैं उस बारे में बात करूँ जो उस इंसिडेंट जो मैंने विटनेस किया और जिसका मुझे पता था तो वो सही रहता, मैं इसके बारे में मैंने क्यों बात की है, इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी एंड आई डिलीटेड इट। बट वो काफ़ी क्या बात वो काफ़ी लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं उठा ली थी। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट वॉज इन माई प्लेस टू से एनी थिंग अबाउट नाज़िश एट दैट टाइम, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। But what happened between me and Nazish in the past that we have still not, you know, discussed with each other or confronted. So, वो कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो कर लेंगे. But yeah, that is about मैं, it. मैं Nazish से request करूँ कि आपको call करें. लेकिन अब हम कहीं मिलते हैं. हम कहीं मिलते हैं. हम बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं. बहुत civil तरीके से. बहुत good note पे. गलतियाँ होती हैं लोगों से. I don't know इस जिस उस time पे जिस वजह से उनके ऊपर बहुत fingers मतलब पॉइंट हो रही थी उस टाइम पे उनका क्या पार्ट था क्या नहीं था आई डोंट नो, ठीक है। मैंने लेकिन ये ज़रूर लिखा था, मैंने ये बात की थी कि जो मैंने सिर्फ नाज़िश बिकॉज़ आई डोंट नो इफ नाज़िश इज़ टू बी ब्लेम्ड इन दैट सिनेरियो और नॉट टिल डेट आई डोंट नो आई हैवंट विटनेस्ड एनीथिंग राइट, बट मैंने एक जनरल ये बात की थी कि लोग सिर्फ लड़कों को क्यों बोलते हैं, लोगों को लड़की को भी बोलना चाहिए एक
मतलब एक जनरल उसमें कि इफ अगर एक हाइपोथेटिकली अगर एक सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़का है हु इज मैरिड एंड देन ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सो व्हाई इज जस्ट द गाय बीइंग ब्लेम्ड द गर्ल शुड बी इक्वली ब्लेम्ड फॉर यू नो बीइंग अ होम रेकर सही बात है दैट इज व्हाट आई मेंट ठीक है ठीक है तो अगर मैं नाजिश को बोल दूं कि आपको कॉल करें आप फोन उठा लेंगे मैं बिल्कुल नाजिश आप नाजिश मैं चाहता हूं कि आप प्लीज यशमा को फोन करें छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है आपस के गिले शिकवे जो है मिटा लेना एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट आई डिलीटेड द पोस्ट बट वो 6 मिनट में वो पता नहीं कहां हमारी टीम ये पोस्ट लगाएगी यशमा गिल ने नाजिश जहांगीर से माफी मांग ली आप बेफिक्र हो जाए आप कहीं नहीं गई ये पोस्ट लग गई बस आप समझे और नाजिश आप प्लीज कॉल करें यशमा को देखिए मैं तो यहाँ पे बैठे ही इसलिए हूँ यशमा के हम दोस्तियां कराएं लोगों हमारा तो वो मकसद ही नहीं कि ये इस तरह के फड्डे हों या इस तरह की बात गुड बस ये सवाल ठीक थे हाँ। दो और लिखे हैं मैं स्किप कर देता हूँ आपके आपकी मर्जी है नहीं नहीं चलें बस ठीक है मैं इतने आपको मसाला मिल गया है आप मैं आपको जो चाहिए तो आपको मिल गया था मेरे हम बाकी चलो मेरा कंसर्न है चेक के साथ चेक मिल जाएगा चेक मिल जाना चाहिए बस चेक मिलता मतलब अच्छा चलो छोड़ यार इट वाज ऑल अ जोक यार ना ऐसी बात नहीं मुझे पता था यशमा के ये जो सवाल हैं ये ऐसे हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ और इसलिए मैंने पूछे वरना अगर ऐसे ऐसे सवाल होते मैं कभी ना पूछता आपसे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा मैं टीम पे बिल्कुल ये बात नहीं डाल रहा और बिल्कुल मुझे चेक नहीं चाहिए चाहिए हाँ मजाक कर रहा हूँ फाइनली हम सोए नहीं इस बार हमें कुछ मूवमेंट्स मूवमेंट हुई ना इससे पहले आपने जो मुझसे सवाल पूछे उनकी वजह से मेरा दिमाग इतना ओवरथिंक करना शुरू हो गया क्या मैंने नहीं टीम ने पूछे टीम ने हाँ ठीक है ठीक है अच्छा कॉल आ रही है अभी से कॉल आना शुरू हो गई है अच्छा सीन ये है कि इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स हैं और ये मुझे 5 डिफरेंट ग्लासेस में सॉर्ट आउट व्हाइल आई आस्क यू सम क्वेश्चंस द गेम इज कॉल्ड 5 सेकंड रूल तो यू विल हैव 5 सेकंड्स टू आंसर अ क्वेश्चन उसके बाद आई विल क्विकली मूव ऑन टू द सेकंड और सी 5 सेकंड के अंदर मुझे ये भी आपको करते रहना मैं 5 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर आपने जवाब ना दिया तो अगले क्वेश्चन में चला जाऊंगा जी ठीक है सो गेम ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब